बैक अगेन इन दिस वीडियो लेक्चर क्लास और आज इस क्लास में हम लोग जियार्डिया लैम्ब्रिया के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे जो इकोनॉमिक या अप्लाइड जूलॉजी का एक पार्ट है। तो जियार्डिया लैम्ब्रिया के हम मॉर्फोलॉजी, लाइफ साइकिल, उसकी प्रिवेंशन और कंट्रोल के बारे में पढ़ेंगे। तो जियार्डिया लैम्ब्रिया के बारे में सबसे पहले जान जाते हैं कि इसको हम ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन भी कहते हैं। ये एक बीमारी कॉज करता है जिसको क्या कहते हैं, जियार्डियासिस। ठीक है, तो सबसे पहले हम जियार्डियासिस के बारे में जानते हैं कि क्या है। तो सबसे पहले इसका क्लासिफिकेशन हम देखते हैं कि इसका क्लासिफिकेशन क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, ये फाइलम हमारा क्या है, मेटा मोनोडाटा। ठीक है, प्रोटोजोअन, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ है उसका। क्लास क्या है, जू मेस्टिगोफोडा। ठीक है, क्योंकि इसके पास फ्लैजिला होता है। ऑर्डर डिप्लोमोनाटिडा। फैमिली हेक्सा टिमिडेई। जीनस जियार्डिया। स्पीसीज जियार्डिया लैम्ब्रिया। तो अब हम इसके जनरल अकाउंट के बारे में जान लेते हैं, मॉर्फोलॉजी के बारे में जान लेते हैं कि कैसा है और क्या कॉज करता है। तो सबसे पहले जियार्डिया लैम्ब्रिया को फर्स्ट टाइम किसने ऑब्जर्व किया था, बाये ल्यूएनहॉफ ने अपने ही ओन स्टूल में। अपने ही स्टूल क्या होता है, अपने पॉटी या लैटिन जो भी बोलिए उसमें उन्होंने 1681 में देखा। और ये वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूटेड होता है और ये स्मॉल इंटेस्टाइन कहाँ पाया जाएगा, इन स्मॉल इंटेस्टाइन में। और ये कॉज करता है एक सीवियर डिजीज जिसको हम क्या कहेंगे, जियार्डियासिस, और ये या फिर डायरिया लाइक सिम्टम्स, मीन्स डायरिया। ठीक है, लूज मोशन डायरिया, एपिगैस्ट्रिक पेन होता है। ये क्या है, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ है। तो जब हम इसके मॉर्फोलॉजी के बारे में देखते हैं तो मॉर्फोलॉजी स्टडी से हम क्या जानते हैं कि ये टू फॉर्म में रहता है। फर्स्ट फॉर्म को हम क्या कहेंगे, टू फॉर्म पाया जाता है, दो फॉर्म में पाया जाता है। फर्स्ट फॉर्म इज कॉल्ड वेजिटेटिव फॉर्म एंड वेजिटेटिव फॉर्म इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रोफोजॉइड। यहाँ पे हम देख सकते हैं वेजिटेटिव फॉर्म का और इसके इसी को हम क्या कहते हैं, ट्रोफोजॉइड स्टेज। तो ये हमारा क्या है, ट्रोफोजॉइड स्टेज है। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि ये कितना माइक्रोन लंबा है या डायमीटर इसकी कितनी है या थिकनेस कितनी है। तो अबाउट 15 माइक्रोन लॉन्ग है, 9 माइक्रोन वाइड है एंड 4 माइक्रोन थिक है। अब हम इसको देखते हैं तो क्या है, एंटीरियरली हमारा क्या है, ये राउंडेड है। आगे की तरफ क्या है, राउंडेड है। पोस्टीरियरली हमारा क्या है, ये आपका पॉइंटेड है। और डॉर्सल साइड हमारा क्या है, कॉन्वेक्स है। और वेंट्रल साइड में आप ये देख सकते हैं कि इसके पास क्या है, ये आपका वेंट्रली इसके पास टू सकर जिससे वो अटैच होता है, सकर लाइक स्ट्रक्चर है। और यहीं पे ये हमारा स्ट्रक्चर क्या है, इनटू द ये क्या है, हमारा दो न्यूक्लियस दिख रहा है, यानी पेयर ऑफ क्या है, न्यूक्लियस है जिसको हम न्यूक्लियाई कहेंगे। और इसके अंदर क्या है, न्यूक्लियस। और ये आप पतला स्ट्रक्चर देख सकते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। ये हमारा क्या होता है, बेसल ग्रैन्यूल से, ये हमारा बेसल ग्रैन्यूल है। ये बेसल ग्रैन्यूल से हमारा क्या है, आपका थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जुड़ा रहता है जिसको हम क्या कहेंगे, राइजोप्लास्ट। अब ये पूरी बॉडी इसकी जो होती है वो दो भाग में डिवाइडेड होती है या बाइलैटरल ये सिमेट्री होता है। क्यों, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एग्जोस्टाइन। यह हमारा क्या है, ये लॉन्गिट्यूडनली हमारा क्या है, एग्जोस्टाइन। ये स्ट्रक्चर क्या है, एग्जोस्टाइन। और साथ ही साथ इसके पास पेयर ऑफ, देखिए पेयर ऑफ क्या है, हमारा पैरा बेसल बॉडीज या ग्रैन्यूल्स जो भी बोलेंगे। अब इसके पास ये क्या है, फोर फ्लैजिला है। कितने फ्लैजिला है, फोर पेयर ऑफ फ्लैजिला, यानी नंबर ऑफ फ्लैजिला क्या हो गया, एट। क्या है ये हमारा, ये फ्लैजिला कैसे है, फर्स्ट एंटीरियर लैटरल फ्लैजिला। देखिए यहां से ये दिख रहा है कि यहां से निकला, लेकिन ये कहां है, एंटीरियर लैटरल फ्लैजिला। आफ्टर दैट ये क्या है, पोस्टीरियर साइड से निकला रहेगा, पोस्टीरियर लैटरल फ्लैजिला। एंड यहाँ पे हमारा नीचे क्या है, देखिए वन पेयर यहाँ पे है, तो ये हमारा क्या हुआ, कॉडल फ्लैजिला। और ये वेंट्रली साइड से निकला रहेगा, तो ये हमारा क्या हुआ, वेंट्रल फ्लैजिला हुआ। तो ये क्या है, हमारा ट्रोफोजॉइड स्टेज है। ठीक है, तो ट्रोफोजॉइड स्टेज में हमारा क्या है, मेजरमेंट हम जान गए कि क्या है, 15 माइक्रोन लॉन्ग है, 9 माइक्रोन वाइड है एंड 4 माइक्रोन थिक है। डॉर्सली कॉन्वेक्स होता है एंड वेंट्रली क्या है, कॉनकेव है विद टू सकर डिस्क। इस डिस्क की वजह से ये क्या करता है, इंटेस्टाइन के म्यूकोजा से क्या करता है, वो अटैच होता है। ठीक है,
और एक्सटाइल हमारा क्या करता है, पूरी बॉडी को इसको बायलैटरल सिमेट्रिकल डिवाइड करता है और इसके पास पेयर ऑफ न्यूक्लियाई है वन ऑन बोथ साइड। देखिए आप देखिए कह सकते हैं एक दूसरे किसके बोथ साइड है, ये जो मिडिल हमारा एक्सोस्टाइल है उसी के दोनों तरफ, ठीक है, जो मिड लाइन में रनिंग कर रहा है। फोर पेयर ऑफ फ्लैजिला है तो बहुत ही आसान है। टू पेयर पैराबेसल ग्रैन्यूल्स है, ये देख रही है पैराबेसल बॉडी है, ग्रैन्यूल्स हमारा टू पेयर्स है। और ये क्या होता है, इट इज अ एक्टिव स्टेज है और मोटाइल है, एक्टिव स्टेज एंड मोटाइल है। और ये क्या करता है, बायलैटरल आपका सिमेट्री होने की वजह से क्या करता है, ये डिवीजन के समय आपका किस तरह का डिवीजन करेगा, बाइनरी फिजन से। मतलब एक हमारा मान लीजिए ये एक है, मान लीजिए ये हमारा एक है तो ये क्या करेगा, ये दो में डिवाइड, मतलब बाइलर हमारा क्या है, ये एक है तो ये ऐसे बाइल, तो हमारा ये दो तरह का आपका क्या होगा, बाइनरी फिजन होगा और फाइनली ये क्या होगा, नया हमारा क्या करेगा, ट्रोफोजाइट में चेंज करेगा। अब दूसरा फॉर्म क्या है हमारा, सिस्टिक फॉर्म, सिस्ट फॉर्म के बारे में जानते हैं। सिस्ट फॉर्म हमारा क्या होता है, इन्फेक्टिव स्टेज है। और इससे पहले आपने जाना मॉर्फोलॉजी में हमारा क्या है, ट्रोफोजाइट, ये स्ट्रक्चर हमारा स्टेज क्या है, वेजिटेटिव, और ये क्या है, इन्फेक्टिव स्टेज है। तो सिस्ट क्या होता है, ओवल इन स्ट्रक्चर होता है, ओवाइड है और सराउंडेड होगा टफ हाइलाइन सिस्ट वॉल, ठीक है, किससे रहेगा, टफ हाइलाइन सिस्ट वॉल से। और यंग सिस्ट के पास टू, और जब ये मैच्योर हो जाता है तो इसके पास फोर न्यूक्लियाई हो जाता है। और सिस्ट क्या होगा, ये पास होगा आपका कहाँ पास, जब ये आपका फॉर्मेशन करेगा इंटेस्टाइन में जाएगा, वहां पे ये बाइनरी फिजन से डिवाइड करेगा, उसके बाद वो सिस्ट फॉर्म में आएगा। तो स्टूल मतलब लैट्रिन से वो पास आउट करके वो क्या होगा, हमारा फिकस के साथ बाहर आएगा और ये वायबल होगा इन सॉइल या वाटर में आपका फॉर सेवरल वीक, बहुत वीक तक। और ये इस तरह ये क्या है, इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंस होता है, मतलब आराम से इन्वायरमेंटल कंडीशन में ये रजिस्ट रह सकता है। तो इस तरह आप ये स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ये स्ट्रक्चर हमारा क्या है, ये हमारा फर्स्ट फॉर्म था जियार्डिया लैम्ब्लिया का, क्या था आपका वेजिटेटिव या ट्रोफोजाइट स्ट्रक्चर, और दूसरा हमारा क्या है, इन्फेक्टिव स्टेज कॉल्ड सिस्ट। तो आप देख रहे हैं कि हमारा ये क्या है, एक्सोनिमा है, और आप देख रहे हैं कि फोर क्या है हमारे पास, क्या है, टू पेयर ऑफ न्यूक्लिया, वहां पे हमारा क्या था, वन पेयर ऑफ न्यूक्लिया, यहाँ पे क्या है, टू पेयर ऑफ न्यूक्लियाई है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जैसे हमारा फोर पेयर आपका क्या है, आपका देख रहे हैं फ्लैजिलल है, फ्लैजिला है, क्या है, एंटीरियर लैटरल फ्लैजिला, पोस्टीरियर लैटरल फ्लैजिला, वेंट्रल फ्लैजिला और कॉडल फ्लैजिला। तो वैसे इसके पास भी फ्लैजिला है, लेकिन कैसे है वो, आपका अंदर मतलब ये सिस्ट वॉल, क्योंकि पूरी बॉडी हमारा क्या है, रेजिस्टेंस ये क्या है, थिक सिस्ट वॉल से क्या है, कवर्ड है या सराउंडेड है, तो किससे सराउंडेड है, थिक वॉल से। और किस तरह हमारे पास इसके पास आपका क्या है, जो फ्लैजिला है वो सिस्ट वॉल के अंदर ही है, पूरे प्रॉपर डेवलप नहीं है। और इसका डायमीटर कितना है, 10 to 12 माइक्रोन इन डायमीटर है, वाई लंबाई चौड़ाई जो भी 10 to 12 माइक्रोन है। तो ये हमारा टू फॉर्म हो गया। अब जब हम इसके इन्फेक्शन के बारे में पढ़ेंगे तो हम जानेंगे कि टू फॉर्म है, इन्फेक्शन के बारे में जाएंगे तो कैसे इन्फेक्शन होता है। तो इन्फेक्शन हमारा कैसे होगा, इंजेक्शन कैसे होगा, मतलब हम जो भी कंटामिनेटेड फूड या वाटर आपका इनहेल करेंगे या जो भी खाएंगे हम आपका वाटर के साथ, इंजेक्शन के साथ हमारा क्या होगा, वो आपका सिस्टिक फॉर्म में हमारे अंदर कॉन्टेमिनेटेड फूड या वाटर के साथ आएगा और विद इन हाफ एन आवर, हाफ एन आवर में क्या होगा, वो हैच आउट हो जाएगा, उसके सिस्ट ब्रेक कर देगी, हैच आउट हो जाएगा। हैच आउट कहाँ होगा, इनटू द स्टोमक में ही हैच आउट होगा। और जब ये हैच आउट होता होगा तो सिस्ट का हटने को हम क्या कहते हैं, एक्साइटेशन, क्या कहेंगे, जब हम लाइफ साइकिल अभी बताएंगे तो बताएंगे, सिस्ट हमारा हट रहा है, हैच आउट हो रहा है, तो उसको क्या कहेंगे, एक्साइटेशन, ठीक है। आफ्टर देयर ये क्या होगा, ये वन सिस्ट हमारा क्या करेगा, ट्रू ट्रोफोजॉइट कितना बनाएगा, क्योंकि एक के पास क्या है आपका फोर न्यूक्लियस है, टू पेयर ऑफ न्यूक्लियाई है, तो वन सिस्ट हमारा क्या करेगा, टू ट्रोफोजाइट स्ट्रक्चर में चेंज होगा। और उसके बाद ट्रोफोजाइट स्ट्रक्चर में चेंज होने के बाद ट्रोफोजाइट फिर से बाइनरी फिजन करेगा, और बाइनरी फिजन करने के बाद ये कॉलोनाइज होगा ड्यूडिनम, इंटेस्टाइन के अपर और लोअर जो आपका पार्ट है ड्यूडिनम और जेंजुनम में, और इसके बाद ट्रोफोजाइल स्टेज हमारा पास डाउन होगा कहाँ पे, कोलोन में चला जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट, और वहां पे फिर से वो क्या करेगा, सिस्टिक फॉर्म में आ जाएगा। तो हम अब क्या देखते हैं कि इसका लाइफ साइकिल कैसे कंटेन कर रहा है, ये आप देख सकते हैं लाइफ साइकिल का स्ट्रक्चर है।
तो सबसे पहले इन्फेक्शन हमारा कैसे हो रहा है, बाय द कंटामिनेशन ऑफ फूड एंड वाटर। जो भी हम कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर को ड्रिंक किए, तो इस कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर में हमारा क्या है, सिस्ट है। क्या है? सिस्ट है। ये सिस्ट क्या हुआ बॉडी के अंदर, सिस्ट ये कौन सा फॉर्म है, सिस्ट फॉर्म है। ये क्या हो गया, कंटामिनेटेड फूड और ये की वजह से, इजेशन की वजह से, मतलब खाने की वजह से क्या हो गया, ये हमारे कहाँ आ गया, डाइजेस्टिव ट्रैक में आया और इनटू द स्टमक। स्टमक में यहाँ पे आपको पहले ही बताया कि एक्साइटेशन मींस क्या होता है, हैच आउट होता है उसका सिस्ट जो होता है, सिस्ट थिक वॉल जो होता है वो हट जाता है, ब्रेक हो जाता है, इसको क्या कहेंगे हम, एक्साइटेशन। और इस तरफ क्या करता है वो, टू ट्रोफोजाइट को रिलीज करेगा। क्या करेगा, टू ट्रोफोजाइट, एक सिस्ट हमारा क्या कर रहा है, टू ट्रोफोजाइट को रिलीज करता है। After passing in the small intestine के upper, आपका duodenum और jejunum में जाके वो क्या करेगा, ये multiply करेगा। Trophozoite क्या करेगा, multiply करेगा duodenum में और jejunum में by binary fission। कैसे कर रहा है, हमारा binary fission मान लीजिए ये हमारा एक, आप देखिए आगे हमारा क्या होता है, rounded, पीछे क्या है, pointed है, और ये इसकी flagella है, ठीक है, और ये pair of nucleus है। तो ये हमारा क्या करेगा, axonema जहाँ है वहां से हमारा binary fission होगा और इस तरह क्या बनाएगा, ये दो आपका क्या बना लेगा, दो ट्रोफोजॉइट का स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेगा। तो सबसे पहले हमें ये जानना है, क्या जानना पड़ेगा कि ये स्ट्रक्चर आपका एक तरह से देखिए इसका स्ट्रक्चर कैसा है। इसको टीयर से भी या पीयर से बोलेंगे, आंसू, जैसा हमारा आंसू होता है, आंसू की बूंदे होती है, तो उस तरह का भी स्ट्रक्चर देखिए ये कैसा लगता है, टीयर से या पीयर से लगता है ना। तो क्या करेगा, टू ट्रोफोजॉइट का चेंज करेगा और उसके पास आप देख ही रहे कि इनके पास क्या है, एडहेसिव पैड है वेंट्रल साइड में। ये क्या है, ये क्या है, एडहेसिव आपका पैड है जो क्या कर रहा है वो, जिससे वो उसकी इंटेस्टाइन के म्यूकोसल लेयर से क्या करता है, आपका एडहेर होता है या टच होता है। तो ये वेंट्रल सकर या एडहेसिव पैड जो है हमारा, वेंट्रल सकर जिसको कहेंगे, इस सकर के द्वारा क्या करेगा वो वेंट्रली साइड से क्या करेगा, इंटेस्टाइन में वो अटैच हो जाएगा। आफ्टर दैट ये क्या होगा, ये आ गया लार्ज पार्ट कॉलोन में आ गया और वहां पे वो क्या किया, फिर से क्या किया, ट्रोफोजॉइट को रिलीज किया। ये कौन सा है, ट्रोफोजॉइट, और ट्रोफोजॉइट फिर से क्या किया, ये आपका फॉर्मेशन किया, बाइनरी फ्यूजन किया, और बाइनरी फ्यूजन से आपका क्या किया, एक से दो, दो से चार, ऐसे करके बाइनरी फ्यूजन किया। और आफ्टर बाइनरी फ्यूजन फिर से क्या करेगा, ये आपका इसके ऊपर फिर से क्या होगा, इस ये जो है हमारा ट्रोफोजॉइट स्ट्रक्चर है फिर से किस में चेंज हो जाएगा, सिस्टिक फॉर्म में, यानी इसके ऊपर जितने भी इसके आपके फ्लैजिला है ये क्या होगा, सिस्ट वॉल के अंदर आ जाएंगे थिक और सिस्ट जो है आपका कवर चढ़ जाएगा। तो जब दोबारा से ट्रोफोजॉइट हमारा चेंज होता है किसमें, सिस्ट में, ठीक है, और ये स्टूल से पास होता है, कहाँ, स्टूल से पास होगा और ये सॉयल या कंटेमिनेटेड जो एनवायरमेंट है वहां पे आ जाएगा। तो दोबारा से इसको हम क्या कहेंगे, इनसाइटेशन, मीन्स इसके ऊपर थिक सेल वॉल जो है वो कवर हो गया और इस तरह ये क्या किया, इस प्रोसीजर जहां पे यहाँ पे हम एक्साइटेशन कहें, इसको क्या कहें, इनसाइटेशन, मतलब इन सिस्ट का फॉर्मेशन, क्या हुआ, सिस्ट का फॉर्मेशन हो गया और ये रिलीज हो गया हमारा कहाँ, इन्वायरमेंट में, हमारा सॉयल है, हमारे फिकस के साथ जहां पे भी हमारा स्टूल डिस्चार्ज कर रहे हैं, तो वहां पे वो क्या हो गया, फूड और कंटामिनेटेड वाटर के साथ हमारा क्या हो गया, फिर से ये इंजेशन प्रोसेस से हमारा क्या हुआ, बॉडी में। तो इस तरह ये क्या कर रहा है, इस तरह इसका लाइफ साइकिल, ये हमारा क्या है, लाइफ साइकिल ऑफ जियार्डिया लैम्ब्रिया। तो ये हमारा क्या हो रहा है, ये लाइफ साइकिल कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। तो इन्फेक्शन हमारा क्या होता है, ओन स्टूल से भी हो सकता है या अदरवाइज कंटामिनेटेड फूड एंड ड्रिंकिंग वाटर, जो भी हम कंटामिनेटेड फूड और वाटर खाते हैं। अब हम इसकी पैथोजन के बारे में जानते हैं कि पैथोजेनेसिस कैसा है। तो ड्यूरिंग सीवियर इन्फेक्शन के समय क्या होता है, तो सीवियर इन्फेक्शन के समय क्या होगा, म्यूकस डायरिया होगा। कैसा होगा, डायरिया में क्या होगा, म्यूकस रिलीज होगा। फिर डल इपी क्या होगा, डल इपीगैस्टिक पेन होगा, पेट में मरोड़ मरोड़ के क्या होगा, आपका पेन होगा। और क्या होगा, फ्लैटुलेंस मीन्स मरोड़न होगा, मकरण बहुत तेज से पेट हमारा क्या करेगा, दर्द होगा। और छोटे बच्चों में, चिल्ड्रन में क्या है, ये डेवलप करेगा क्रॉनिक डायरिया, किसमें चेंज हो जाएगा, क्योंकि इस बारे में ये जियार्डिया को हम क्या कहेंगे, जियार्डियासिस को क्या कहेंगे, डायरिया। तो ये बच्चों में ये क्या करेगा, क्रॉनिक डायरिया के रूप में ये सीवियर मतलब बहुत कंडीशन में आएगा। मॉल एब्जॉर्प्शन, बच्चा एब्जॉर्प्शन का प्रोसीजर ठीक से नहीं होगा, मॉल एब्जॉर्प्शन मीन्स एब्जॉर्प्शन प्रोसीजर नॉट
टेक प्लेस इन प्लेन प्रॉपर, और वेट का बच्चों का क्या होगा, वेट लॉस होगा, ठीक है। तो प्रिवेंशन हम कैसे कर सकते हैं, प्रिवेंशन करने का सबसे अच्छा तरीका है क्या कि हम क्या करेंगे, आपका हाइजीन कंडीशन में हम फूड या वाटर जो भी है कंटामिनेटेड फूड या वाटर नहीं लेंगे और हाइजीन कंडीशन में रहेंगे। साथ ही साथ कुछ ड्रग्स लाइक जैसे हम क्या कर सकते हैं, मेट्रोनाइजाडोल, फिर ट्राइटिनी जेडाजोल हम क्या कर सकते हैं दवा के रूप में, मेडिसिन के रूप में रिकमेंड कर सकते हैं। और आयोडीन क्या है, इफेक्टिव होता है इन द डिसइंफेक्टिंग, मतलब वाटर को डिसइंफेक्टिंग करने के लिए आयोडीन। और जो भी फूड मटेरियल या जो भी चीज हमारा जो फल है सब्जियां हैं, अगर हम उसको क्या कर सकते हैं आयोडीन के सॉल्यूशन से वॉश करके और करके हम उसको कहें, तो उससे क्या होगा कंटामिनेशन जो है वो खत्म हो जाएगा और इस तरह हमारा क्या हो जाएगा जियार्डिया का जो डायरिया का प्रोसीजर नहीं हो जाएगा, अनहाइजेनिक कंडीशन से हमारा हाइजेनिक कंडीशन में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, फुल डिस्क्रिप्शन था किसके बारे में, जियार्डिया लैम्ब्लिया। जियार्डिया लैम्ब्लिया को हम जियार्डिया इंटेस्टाइनलिस भी कहते हैं, ठीक है, जियार्डिया ड्यूडिनलिस भी कहते हैं। तो ये सब इसके क्या है आपके नेम है, और ये हमारा क्या हो गया कंप्लीट जियार्डिया का आपका डिस्क्रिप्शन हो गया, या कंप्लीट हमारा जियार्डिया लैम्ब्लिया क्या करता है, कब क्या कॉज करेगा आपका डायरिया, या क्या कह सकते हैं जियार्डियासिस। तो ये टॉपिक कंप्लीट हो गया, ओके, थैंक यू।